बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 10th क्लास लेक्चर्स फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, आपकी टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश। और ये देखिए कि ये आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 1, दैट इज़ द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। और यहाँ पर एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है? पैकर। और जस्टिस का मतलब आपको पता है कि इंसाफ होता है, तो मतलब बना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस का पैकर है, इंसाफ का पैकर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं ट्रांसलेशन करने से पहले बता दूं कि मैं आपको पूरे चैप्टर के ट्रांसलेशन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड नहीं करवा सकती हूँ। तो मैंने आपके लिए आसानी के लिए ये ज़रूर किया है कि आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर राइट कर दिए हैं। आप ये अपनी बुक्स पर भी राइट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको हर पैराग्राफ की डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप पूरे पैराग्राफ के ट्रांसलेशन खुद से ईजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करूँ, इससे पहले मैं आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूँ कि 9th क्लास में आपके पास ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ 3 आते थे, जिसमें से आपको चॉइस होती थी, आपने 2 करने होते थे अटैम्प्ट, और उसके 8 मार्क्स कैरी करते थे हर पैराग्राफ। बट यहाँ पर अब 10th क्लास में आपको देर विल बी नो चॉइस विल बी गिवन फॉर द ट्रांसलेशन इन टू उर्दू, क्योंकि आपको अब ये एक पूरी की पूरी बुक की ट्रांसलेशन को, ईच पैराग्राफ को आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चॉइस नहीं दी जाएगी और उस एक पैराग्राफ के ही 8 मार्क्स होंगे। ज़्यादा नंबर हैं तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी करना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स, आपका वेरी फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें डिस्क्रिप्शन ये दी गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक परफेक्ट मॉडल और परफेक्ट एग्जांपल हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में पाइटी को हासिल करना चाहते हैं, तकवा को हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी परफेक्ट एग्जाम्पल और मुकम्मल नमूना है। और फिर ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तमाम लोग लाइट हासिल कर सकते हैं, रोशनी हासिल कर सकते हैं, गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, अगर वो परफेक्शन हासिल करना चाहें, अगर वो कामिलियत हासिल करना चाहें अपनी ज़िंदगी में। किस लिहाज से? ज़िंदगी में अपनी मॉरल लाइफ में, यानी अख़लाक़ी लिहाज से, या फिर वो स्पिरिचुअल यानी रूहानी लिहाज से, या फिर अगर वो अपनी सामाजिक ज़िंदगी में, सोशली अगर ज़िंदगी में वो परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइट और गाइडेंस उनको ईज़िली अवेलेबल हो सकती है। और इसके बाद ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में ही वो नोबल आइडियल्स सेट कर दिए हैं जिनको लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है। सेकंड पैराग्राफ में आपके डिस्क्रिप्शन दी गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा जस्ट और इक्विटेबल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट थे, जस्ट का मतलब मुनसिफ, इंसाफ पसंद होना, और इक्विटेबल का मतलब भी होता है आदिल, या फिर मुनसिफाना, आप जो भी चाहे कर सकते हैं इक्विटेबल के लाइन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा जस्ट थे, बहुत ज़्यादा इक्विटेबल थे। और ये था कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई भी जस्ट, कोई भी इक्विटेबल हो ही नहीं सकता था। इसी सिलसिले में बच्चों, आपके पास इस पैराग्राफ में एक छोटा सा वाक्य डिस्क्राइब किया गया है कि जब खाना काबा की तामीर की जा रही थी, तो वहाँ पर एक ब्लैक स्टोन को लेकर, ब्लैक स्टोन हिजर अस्वद को कहते हैं, हिजर अस्वद को लेकर एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा खड़ा हो गया था। तमाम कबीले जो वहाँ पर थे, वो ये चाहते थे कि यह सआदत हमें हासिल हो कि हम हिजर अस्वद की तनसीब, हिजर अस्वद को सही जगह पर जहाँ पर रखना था वहाँ पर रखने की सआदत हमें हासिल हो। तो तमाम ही कबीले ये चाहते थे, सआदत हासिल करना चाहते थे, तो उनके दरमियान में झगड़ा खड़ा हो गया था। एक कबायली कश्मकश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये डर होने लगा था कि इन तमाम कबीलों के दरमियान में कोई शदीद जंग ना छिड़ जाए। तो उस वक्त पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इक्विटेबल प्लान पेश किया था। आप देखिए कि यहाँ पर इक्विटेबल का मतलब आदिल था, लेकिन अब जब मैंने कहा कि इक्विटेबल प्लान पेश किया था, तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा। इक्विटेबल का मीनिंग बनेगा मुनसिफाना, कि मुनसिफाना प्लान पेश किया था जिसने उन तमाम लोगों को, उन तमाम कबीलों को खुश कर दिया था और उनको उस कबायली झगड़े से बचा लिया था। यहाँ पर आपका दूसरा पैराग्राफ भी ख़त्म होता है और अब आपका स्टार्ट होता है पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 में जो आपकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, वह यहाँ पर यही दी गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत के सरदार होने की हैसियत से, मदीना के रियासत के सरबराह होने की हैसियत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम फ़ैसलों को मेरिट की बिना पर सॉर्ट आउट किया। आपने तमाम फ़ैसलों को इंसाफ के साथ सॉर्ट आउट किया। और उसमें आपकी डिस्क्रिप्शन ये भी दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इररिस्पेक्टिव यानी बालातर होकर तमाम फ़ैसलों को आपने किया था। किस चीज़ से बालातर होकर? आपने नस्ल यानी कलर, क्रीड और रेस, नस्ल से, अकीदे से, या फिर किसी रंग से, इन तमाम
फ़र्क को आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और इनसे बालातर होकर आपने तमाम फैसलों को किया था। और यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में भी आपको एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा इंसिडेंट बयान किया गया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में एक औरत थी, कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखती थी वो औरत, और वो चोरी की मुजरिम पाई गई थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले के लिए लाई गई। तो डेफ़िनेटली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कानून के मुताबिक सजा देना चाहते थे, लेकिन चूंकि वह बाइज़त कबीले से, क्योंकि कुरैश का कबीला बहुत ज़्यादा बाइज़त समझा जाता था मक्का में, तो कुछ लोग उसको सजा से बचाना चाहते थे ताकि कबीला कुरैश की इज़्ज़त ख़त्म ना हो, कबीला कुरैश की इज़्ज़त मजरूह ना हो। तो इसी सिलसिले में इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करने के लिए भेजा हज़रत उसामा बिन ज़ैद को, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मैंने इंटरसीड, इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना, सिफारिश करने के लिए भेजा हज़रत उसामा बिन ज़ैद को कि आप वो जाएँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत की माफ़ी लेकर आएँ, माफ़ीनामा लेकर आएँ। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और आपने उस वक्त गुस्से की हालत में, शरीर गुस्से की हालत में आपने ये फरमाया था कि बनी इसराइल की कौम इसी वजह से ही तबाह हुई थी क्योंकि वो गरीबों पर कानून को लागू करते थे और अमीरों को माफ़ कर दिया करते थे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट होता है। पैराग्राफ नंबर 4 में एक वाक्य दोबारा से बयान किया गया है कि ड्यूरिंग द सरमन, सरमन का मतलब होता है खुतबा, एक मिनट पर खुतबा हो रहा था तो उस वक्त पर एक अंसारी वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने बनो सालबा के, बनो सालबा ये एक कबीला था, ऐसे लिखेंगे बनो सालबा एक कबीला था, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे बनो सालबा के, तो अंसारी ने जब उनको बैठे हुए वहाँ पर देखा तो उठ खड़ा हुआ और उनके तरफ उसने पॉइंट आउट किया, इशारा किया, और इशारा करके उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला के पैगंबर, इनके आबाओ अजदाद ने, उन्होंने नहीं, उनके आबाओ अजदाद ने, उनके एंसेस्टर्स ने, एंसेस्टर्स का मतलब होता है आबाओ अजदाद, फोर फादर्स, उनके आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक आदमी को कत्ल किया था, तो अब उनके बदले में इनमें से किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो उस वक्त पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया था कि रिवेंज नहीं लिया जा सकता, बदला नहीं लिया जा सकता, इंतकाम नहीं लिया जा सकता बाप का बेटे से, यानी बाप का जो इंतकाम है वो बेटे से नहीं लिया जा सकता। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपका पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट होता है। पैराग्राफ नंबर 5 में आपको जो डिस्क्रिप्शन दी गई है पैराग्राफ की, वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे। हमने अब तक यह पढ़ लिया, वो कितने मशहूर थे, वो इतने ज़्यादा मशहूर थे कि जो नॉन मुस्लिम्स थे ना, इतने ज़्यादा मशहूर थे आप अपने इंसाफ के लिए कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं ना, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मामलात लेकर आया करते थे। और क्यों लेकर आया करते थे? डेफ़िनेटली क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंदी से काम लिया करते थे। आप अपने उनके तमाम फ़ैसलों को उनके कानून के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट किया करते थे और वो भरोसा करते थे अपने, इसीलिए अपने तमाम मामलात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही लेकर आया करते थे। जैसे कि यहूदियों के, ज्यूस के मामलात अगर वो लेकर आते थे तो आप उनको ज्यूइश लॉ के अकॉर्डिंग ही, यहूदी कानून के मुताबिक ही उसको सॉर्ट आउट करते थे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, एक आयत डिस्क्राइब की गई है कुरान पाक की, वो मैं आपके लिए पूरी रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली कुरान पाक की है तो ये थोड़ा कंपलसरी भी है हमारे लिए कि हम इसको एज इट इज़ वर्डिंग में ही करें, इसमें कोई भी गलती ना हो। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, आपकी पैराग्राफ नंबर 5 की लाइन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकाम की बहुत ज़्यादा सख्ती से पैरवी की। कमांडमेंट का मतलब होता है अहकाम। फरमाया गया कि इफ़ दे कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आए हैं, इधर जज बिटवीन देम, तो या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दो, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या फिर इंटरफेयर करने से, मुदाखलत करने से डिक्लाइन कर दो, इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन, कि अगर तुम इनकार करते हो, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो तुम्हें ज़र्रा बराबर भी, तुम्हें थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इफ़ यू जज, और अगर तुम फैसला करो, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, तो उनके दरमियान अदल के साथ फ़ैसला करो, बराबरी के साथ फ़ैसला करो। फॉर गॉड लव्स दोस, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उन लोगों को हु जज इन इक्विटी, जो कि इंसाफ पसंदी से फैसला करते हैं। ये आपका पैराग्राफ नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 आपका स्टार्ट होता है। इस पैराग्राफ में जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो ये है कि जस्टिस ये तकाजा करता है, इंसाफ का ये तकाजा होता है कि उसको तमाम हालात में, तमाम सरकमस्टेंसेस में उसको अपहेल्ड किया जाए, उसको बरकरार रखा जाए। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम मामलात को, उस फैसलों को उस वक़्त पर भी, उन तमाम मामलात में भी बरकरार रखा जबकि कोई फ़ैसला उनके अपने ख़िलाफ़, उनके फैमिली, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी अगर जा रहा था, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इंसाफ के तकाज़ों को
पूरा किया, उनका बरकरार रखा, और यही आपने तलकीन की अपने सहाबा कराम को भी, अपने कंपेनियंस को भी, कि हमेशा से इंसाफ पसंद रहें, हमेशा मुनसिफ रहें। इसी सिलसिले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने ये फरमाया था कि जब दो आदमी तुम्हारे पास आएँ फैसले के लिए, जजमेंट के लिए, जब दो आदमी तुम्हारे पास आएँ तो उनके दरमियान में या तो फैसला कर दो या फिर उस वक्त पर फैसला करो जब तुम दोनों की बातों को सुन लो, यानी उस वक्त तक फैसला ना करो जब तक तुम दूसरे के दलाइल को भी ना सुन लो, किसी एक के हक़ में उस वक्त तक फैसला हरगिज़ ना दो, क्योंकि यही चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि इस तरह से तुम सच्चाई को जान लोगे। और फिर इसी तरह से दोबारा से एक रवायत की गई है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिपोर्ट किया गया है कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई रूलर, कोई हुक्मरान किसी गरीब के, किसी मोहताज के, किसी ज़रूरतमंद के दरवाज़े अपने दरवाज़े को बंद कर देता है उसके लिए, तो अल्लाह ताला अपने दरवाज़े को बंद कर देता है उस वक़्त उस शख्स के लिए, उस रूलर के लिए, जबकि वो ज़रूरतमंद हो जाता है, जबकि वो मोहताज हो जाता है। यहाँ पर आपका 6 पैराग्राफ एंड होता है और अब आपका पैराग्राफ नंबर 7 स्टार्ट होता है। पैराग्राफ नंबर 7 में ये आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या दी गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने डेथ बेड पर थे, यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, तो उस वक्त पर आपने प्रोक्लेम किया, प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना। उस वक्त पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अगर मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया हो, रॉन्ग का मतलब होता है किसी के साथ कुछ गलत किया हो, कोई ज़्यादती कर दी हो, या फिर किसी के प्रॉपर्टी को या ऑनर को, इज़्ज़त को डैमेज किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं, मेरी ज़ात और मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है, वो इसी दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा मुनसिफ, इतने ज़्यादा इंसाफ पसंद रहे थे अपनी पूरी ज़िंदगी में कि वहाँ पर मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ एक इंसान था जिसने कुछ दिरहम्स का मुतालबा किया था जो उसको उसी वक़्त ही अदा कर दिए गए थे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, पैराग्राफ नंबर 8, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या दी गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से अपनी मिसालें देकर ये साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा फर्म थे, बहुत ज़्यादा साबित कदम थे तमाम मामलात में। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये भी दी गई है कि इतने ज़्यादा अजमत का इंसान, इतनी ज़्यादा अजमत वाला इंसान जब इस दुनिया में पर्दा फरमा भी जाता है ना, यहाँ से इस दुनिया से पर्दा कर भी जाता है, तब भी वो ज़मान व मकान की, जगह और वक्त की कैद से आज़ाद हो जाता है। बैरियर्स का मतलब यही है, रुकावटें, कि उन रुकावटों से वो आज़ाद हो जाता है। ट्रांसकेंट्स का मतलब होता है कि इनसे वो दूर चला जाता है, इनसे वो अबूर कर लेता है। और इसी सिलसिले में आपकी जो लास्ट लाइन है इस चैप्टर की, वो होली कुरान से डिस्क्राइब की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल हैं जो कि अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन कम्प्लीट होती है, और ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमने इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं, वो भी हम इसी लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए यहाँ पे मैंने आपके राइट डाउन तो कर दिए हैं, बट दीज आर ओनली द आंसर्स। आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, जो क्वेश्चन हैं, वो आप बुक से देखिए और अपनी नोटबुक पर आप इसको राइट कर सकते हैं, आपके नोट्स साथ साथ रेडी होते जाएंगे। यहाँ पर आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, कि लोग किस तरह से अपनी मॉरल, स्पिरिचुअल यानी अपनी अखलाकी, रूहानी और सामाजिक ज़िंदगी में किस तरह से परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। हमने चैप्टर में ये बात पढ़ी थी अभी, कि पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ इफ़ दे सी गाइडेंस, अगर वो गाइडेंस हासिल करें फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वो गाइडेंस हासिल करें एंड हिज मैसेज और उनके दिए गए पैगाम में से। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड, कि किस तरह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए एक बहुत ज़्यादा हाई और नोबल आइडियल्स, बहुत ज़्यादा आला तसव्वुरात कायम किए। तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बस इतना लिखना काफ़ी होगा कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, उन्होंने अपनी अमली मिसालें देकर तमाम नोबल आइडियल्स अपनी लाइफ में सेट किए। और इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द होली प्रॉफिट्स जस्टिस
इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड, यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी प्रॉफिटहुड नहीं मिली थी, अभी आपको नबूवत नहीं भी मिली थी, उससे पहले ही मक्का वाले, मक्का के लोग आपके हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हो चुके थे, उनके इंसाफ के कायल हो चुके थे। कैसे? तो पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ द रसूल्स जस्टिस, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से कन्विंस्ड हो चुके थे, कायल हो चुके थे बिफोर हिज नबूवत, उनकी नबूवत से भी पहले। व्हेन ही सेटल्ड देयर डिस्प्यूट, जब उन्होंने उनके झगड़े को सॉर्ट आउट किया था, ओवर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, ये भी हमने पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ में, जो बात हमने पढ़ी थी कि जब उन्होंने हिजरे अस्वद के मामले को एमिकेबली, बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में, एमिकेबली का मतलब होता है खुश असलूबी के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में जब उन्होंने उनके उस झगड़े को सॉर्ट आउट किया था, उसी वक़्त ही तमाम मक्का के लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्टिस के कायल हो चुके थे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सरबराह होने की हैसियत से किस तरह से इंसाफ के तकाजों को पूरा किया, ये भी हमने बात पढ़ी थी। वही बात जो मैं आपको ट्रांसलेशन में समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, वही बातें ही आपकी क्वेश्चन आंसर्स में आ रही हैं, आप इसको सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किस चीज़ ने नॉन मुस्लिम्स को, काफिरों को मजबूर किया था कि वो अपने तमाम फैसला, तमाम मामलों के फैसले हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाना चाहते थे, उनके पास वो लेकर आते थे। द आंसर इज़ द नॉन मुस्लिम्स ब्रॉट देयर सूट्स टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर जजमेंट, जो नॉन मुस्लिम थे, जो कुफार थे, वो भी अपने फैसलों के लिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामलात लेकर आते थे, बिकॉज क्योंकि ही डिसाइडेड द केसेस ऑफ नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि उन्होंने फैसले किए नॉन मुस्लिम्स के तमाम मामलात के, केसेस का मतलब होता है मामलात, जस्टली, इंसाफ के साथ, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स के लॉ को, नॉन मुस्लिम्स के कानून के मुताबिक ही, उनके ही कानून का मद्देनज़र रखकर। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है, हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किस तरह से कुरान पाक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर यूनिट नंबर 1। आंसर इज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कि वो इस तरह से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है, इंडीड, बिला शुबा, दर हकीकत, इन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल की शक्ल में, यानी कौन से रसूल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यू हैव अ गुड एग्जांपल, तुम्हारे पास एक मुकम्मल एग्जांपल है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल है टू फॉलो, फॉलो करने के लिए, पैरवी करने के लिए, फॉर हिम, उस शख्स के लिए, हु होप्स, जो यकीन रखता है, जो उम्मीद रखता है, फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, कि वो अल्लाह से मिलेगा, एंड द लास्ट डे, और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है, उस शख्स के लिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद है फॉलो करने के लिए। स्टूडेंट, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स इन द ट्रांसलेशन ऑफ द यूनिट नंबर 1। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की मुकम्मल एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।